हेलो एवरीवन, डॉक्टर कुश फ्रॉम रेडक्लिफ लैब्स। पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, कैलोरी काउंट कितना है शेक में, कल कितने कैलोरी काउंट थे, एप्पल वॉच में कितना टारगेट अचीव हुआ, ये सब कंसर्न्स आज हम सबके हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, चाहे यंग हो, एल्डरली हो, कोई भी हो। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है? कि ब्लड में शुगर ज़्यादा है। हर कोई आजकल हेल्थ चेकअप्स करा रहा है कि शुगर के लेवल कितने हैं, फास्टिंग कितनी थी, पीपी कितना था, HbA1c कितना था। क्वेश्चन ये है कि शुगर बढ़ी हुई क्यों है? इसका मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप कुछ भी खाते हैं तो जो भी शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है उसको इंसुलिन जो होता है सीधे सीधे आपके स्केलेटल मसल या फिर आपके एडिपोज टिश्यू उसमें एंट्री करवाता है और इसीलिए आपकी ब्लड में जो शुगर होती है वो कम होती है। तो डायबिटीज़ में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके इंसुलिन लेवल या तो कम हो चुके होते हैं या फिर आपके जो सेल्स हैं बॉडी के उनमें वो टेंडेंसी कम हो जाती है कि उनके अंदर शुगर जा पाए, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सेल्स में जो है शुगर यूज़ नहीं हो पाती है और इसीलिए आपकी ब्लड स्ट्रीम जो होती है उसमें शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं, जो कि आपकी टेस्टिंग में ज़्यादा इंक्रीज शुगर आती है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों होती है? इसमें आपके ऑटोइम्यून कारणों की वजह से जो बॉडी में बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियास के, उनमें ऑटोइम्यूनिटी की वजह से उनका डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है और उसकी वजह से जो पैंक्रियास होता है वो इंसुलिन फॉर्म नहीं कर पाता है। क्योंकि इंसुलिन फॉर्म नहीं हो रहा होता है तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी में टिश्यूज़ हैं जैसे कि स्केलेटल मसल हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गए, वो शुगर को इनटेक नहीं कर पाते हैं और आपकी जो ब्लड है उसमें जो है शुगर के लेवल्स बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखनी पड़ सकती हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो 90-95% केसेस ऑफ डायबिटीज़ में देखी जाती है। इसका जो मेन कारण ये होता है बॉडी में कि या तो आपकी बॉडी इंसुलिन थोड़ा कम बना रही है या फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसके काफ़ी रिस्क फैक्टर्स भी देखे गए हैं, जैसे कि अगर आपका वेट ज़्यादा है या आप फिज़िकली इनएक्टिव रहते हैं या फिर आपको हाइपरटेंशन की परेशानी है या फिर आपके घर में किसी को या माता पिता या भाई बहन या सिबलिंग्स को कभी भी आपको डायबिटीज़ देखी गई हो। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में डिसलिपिडीमिया है, डिसलिपिडीमिया से हम लोग समझते हैं कि आपके जो लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़े हुए रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ से हम लोग वो समझते हैं कि जो डायबिटीज़ आपको प्रेगनेंसी में या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखी जाती है, ये जो होती है आपके 2-3% जो प्रेगनेंसी है उनमें देखी जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के नुकसान क्या हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको स्क्रीन करना? इसको स्क्रीन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनके बच्चे में कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो कार्डियक डिफेक्ट हो, कोई एनोमलीज प्रेजेंट हो सकती हैं, प्री मेच्योर बर्थ भी हो सकती है, कई बार बच्चे का वजन ज़्यादा हो सकता है पैदा होते वक्त, या फिर कई बार फीटल लॉस भी हो सकता है। इसका कारण बेसिकली ये होता है कि आप जो मदर होती है उसमें प्रेगनेंसी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें डायबिटीज़ हो जाती है। क्यों ज़रूरी है टेस्टिंग कराना? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा प्यास लग रही है और आपको खुद डायबिटीज़ है अगर, तब तो अपने बच्चों में ज़रूर डायबिटीज़ की टेस्टिंग कराइए। दूसरी चीज़, अगर आपने रिसेंटली कभी वेट गेन किया है या फिर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ है या फिर कभी आपका लिपिड प्रोफाइल डीरेंज है तो टेस्टिंग कराइए। अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ पहले से है इसलिए भी टेस्टिंग कराइए, क्योंकि आपके डॉक्टर जो हैं उनको आपकी दवाई की जो डोजेस चेंज करनी होगी वो आपको उससे पता चलेगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या फिर भी डायबिटीज़ कंट्रोल में है? इसलिए डायबिटीज़ चेक कराइए। रेडक्लिफ लैब, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर तरीके की टेस्टिंग करते हैं, चाहे वो आपकी हेमेटोलॉजी को, यूरिन के टेस्ट हों, आपके ब्लड के टेस्ट हों, आपकी बायोप्सी के टेस्टिंग हो, मॉलिकुलर टेस्टिंग हो, कोविड टेस्टिंग हो, लेकिन उसके अलावा डायबिटीज़ के कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो हर आदमी को कराने चाहिए, जैसे कि आपको अपने शुगर लेवल्स चेक कराने चाहिए फास्टिंग पीपी, आपको अपना HbA1c का लेवल चेक कराना चाहिए हर 3 महीने पे, जो कि हम रेडक्लिफ में HPLC गोल्ड स्टैंडर्ड से करते हैं, आपको अपनी यूरिन की टेस्टिंग करानी चाहिए ताकि ये रूल आउट हो सकें कि आपको कहीं यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं प्रोटीन तो नहीं आ रहा यूरिन में, कहीं आपका ग्लूकोज तो नहीं आ रहा यूरिन में। उसके अलावा आप यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल भी चेक करवा सकते हैं, जो कि आपको ये बता देगा कि कहीं आपकी किडनी में कोई डैमेज तो नहीं हो गई है। उसके अलावा आप लिपिड प्रोफाइल भी अपना करा सकते हैं, जिसमें आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी चेक कर सकते हैं। आपकी हर रिपोर्ट हमारे लिए पर्सनल है, चाहे वह कस्टमर केयर हो, हमारा फ्लेबोटोमिस्ट हो या फिर हम खुद हों जो उसको रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए रेडक्लिफ लैब्स में आइए, अपनी टेस्टिंग कराइए। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब।